असिस्टेंट की शराब दुकान के कारण छात्र छात्राओं और महिलाओं का निकलना हो रहा दुश्वार, तत्काल हटाए प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं नौशीन अली और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। जनपद पंचायत सिहोरा के ग्राम पंचायत मजगवा बस स्टैंड में शराब दुकान के कारण छात्र छात्राओं और महिलाओं और आसपास के ग्रामीणों का रहना दुश्वार हो गया है। हालत यह है कि शराब दुकान होने के कारण यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन लगातार वाद विवाद होते रहते हैं, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बात सिहोरा जनपद अध्यक्ष रश्मि मनेन्द्र अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष जनपद सदस्य और ग्राम पंचायत मजगवा की सरपंच ने गुरुवार को सिहोरा SDM आशीष पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल बस स्टैंड में स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत मजगवा के बस स्टैंड में स्थित शराब दुकान के कारण स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना बस स्टैंड पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसके चलते व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है और उन्हें अपनी दुकान जल्द बंद करनी पड़ती है। बस स्टैंड के बीच में शराब दुकान होने के कारण कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ग्राम पंचायत मजगवा के बस स्टैंड के आसपास से ग्रामों की छात्र छात्राएं प्रतिदिन अध्ययन के लिए बस से बस स्टैंड पहुंचती हैं। महिलाएं जब बाजार जाती हैं तो उनके साथ शराब दुकान से शराब पीकर निकलने वाले शराबी छींटाकशी तक करते हैं, जिसके चलते उनका निकलना दुश्वार हो गया है। जनपद उपाध्यक्ष दिलीप पटेल, जनपद सदस्य राजा पटेल, रजनीकांत मिश्रा और प्रमोद गौतम ने SDM को बताया कि शराब दुकान जनपद पंचायत सिहोरा की भूमि में संचालित है, जिसके लिए जनपद पंचायत द्वारा किसी प्रकार की अनुमति और सहमति नहीं दी गई है। शराब दुकान पूरी तरीके से अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि ने बताया कि अवैध शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पहले कलारी के जूम कर लेना पूरा। कर देंगे 27। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।